हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना रही हूँ मसूर दाल तड़का। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मसूर दाल और 1.5 गिलास पानी। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और हल्दी डालूंगी और इसको 4 सीटी लगा दूंगी। 4, अगर आपको थोड़ा सा साबुत बारीक वाला चाहिए तो आप 2 सीटी भी लगा सकते हैं। और सीटी लगाने के बाद आप देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसका तड़का प्रिपेयर करूंगी। तो तड़के के लिए लिया है मैंने सगा प्याज, 4 ग्रीन चिली, 1 टमाटर और 3 से 4 कली लहसुन और थोड़ी सी अदरक। इन सबको चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच घी। सर्दियां हैं तो थोड़ा घी ज्यादा डालिए। और 1 चम्मच, छोटी चम्मच से जीरा और थोड़ा सा हींग डालिए। हींग भी थोड़ा सा तेज डालिए तो ज्यादा टेस्टी होता है और हींग बहुत ही हेल्दी होता है। इसको 2 से 3 मिनट भूनूंगी। भूनने के बाद जो मैंने चॉप किया था प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन, ग्रीन चिली, इन सबको डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट इसको भूनना है, बहुत ज्यादा भी नहीं भूनना है। आप देखोगे इससे फ्रेग्रेंस आने लग जाती है। तो 2 से 3 मिनट भून लीजिए इसको बहुत अच्छे से, अच्छी खुशबू आने लग जाए तो समझ जाना ये पक गया है। तो जी, मेरा ये जो प्याज, लहसुन, अदरक है ये पक चुका है बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दाल। दाल को भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे और है हो जाएगा 2 से 3 मिनट के बाद तैयार। है ना बहुत इजी, क्विक और बहुत ही टेस्टी। मेरे घर में तो ये सबका फेवरेट है दाल खाना। लोग तो पसंद करते ही हैं, बट अगर ये दाल तड़का बना हो तो सबको बहुत पसंद आता है। तो मुझे थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ही बनाना पड़ता है कि फ्रिज में रख दो और बार बार खाओ। तो कैसा लगा रेसिपी जरूर बताइएगा और बनाइए, खाइए, खिलाइए। हमारा चैनल देखते रहे। थैंक यू सो मच।